देखो मेरे फोटो में दिख रहा होगा कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ गाइस, मैं आ रहा हूँ लाइक बट बहुत अच्छा लग रहा है कि डांस दीवाने थ्री जनरेशन को जज करने का मौका मिल रहा है। सो मैंने शुरू किया था डांस से, अभी भी डांस में हूँ, तो इसका मतलब मेरे ब्लड में डांस ही दौड़ रहा है। बट ये है कि डांस के थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली है, एक्टिंग, एक्टर का एक वो ओहदा मिला है, फिर एक जज का ओहदा मिला है, एक कोरियोग्राफर का ओहदा मिला है। अब ये करते करते शायद तक नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर मेरी कोई वेब सीरीज़ भी आए, आप वो भी देख सकते हो। तो ये डांस के थ्रू ही ऐसा हर एक चीज़ हुई है, सो आई लाइक इट। आपने 2 सीज़न देखे होंगे, 2 सीज़न में सिर्फ सोलो परफॉर्म करते हैं, पर लेकिन इस बार आपको नया ये देखने मिल रहा है कि डांस दीवाने में आपको डुओ देखने मिलेगा, ग्रुप देखने मिलेगा, ट्रायो देखने मिलेगा। एंड सबसे अच्छी बात कि ये लॉकडाउन के टाइम पे जो भी लोग घर पे सब लोग बैठे हुए थे, तो उनको मौका मिल गया अपने टैलेंट को और निखारने का। तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं जहाँ पर हम लोग, हमारे पास 3 बटन होते हैं, पॉज, प्ले और रिवाइंड। प्ले मतलब आप आगे जाओ, बाकी सब थोड़े रिस्की वाले हैं। हम लोग ज़्यादातर के सबको प्ले दे रहे हैं, हमको ऐसा लगा इन लोग ने ज़्यादा तैयारी करके है, लगता है। सो लगता है इस बार मेघालय के पास से, आसाम, सिक्किम से, साउथ से ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। और इस बार डांस दीवाने की टीम ने जो वायरल हुए हैं, जो लॉकडाउन के टाइम पे, उसके पहले भी जो वायरल हुए हैं, उन लोगों को भी लेके आए जो वायरल हुए हैं, देन कुछ नहीं है नाउ। उन लोगों को भी लेके आए, उन लोग को भी मुंबई दिखाया, उन लोग को स्टेज दिखाया कि इतनी सारी लाइटें होती है। आप ऑडिशन देख लो, मैं सच में बोलूँ, आप सब लोग ऑडिशन देख लो, आपको इतना मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे लोग आए हैं, घर पे एक बल्ब है, बस एक बल्ब जल रहा है। और वायरल कैसे हुआ, अपने झुपड़े के आगे डांस करके ऐसे लोगों को लेके आया। और जब और इतना बारीकी से काम किया कि उन लोगों को स्टेज दिखाया नहीं, चलो मुंबई दिखाया उनको, एक रूम में रखा है, रिहर्सल करवाया, लेकिन स्टेज रिहर्सल दिया ही नहीं है। तो जब वो स्टेज रिहर्सल नहीं दिया और वो पहली बार स्टेज पे आते, हम तीनों नमस्ते कैसे हो, नमस्ते कुछ नहीं, पहले तो देखते कि ये लाइट, इतनी सारी लाइट कैसे लग गई। एक झोपड़े से निकला हुआ आदमी सेकंड में उसका पूरी दुनिया चेंज हुई थी उसके लिए। तो वैसा है ना कि जादू हो गया मेरे साथ। तो बहुत बार ऐसा तो लोग भूल जाते हैं कि सर हम लोग ने नहीं देखी ऐसी दुनिया, ऐसे ऐसे लोग की कहानी आपको, ऐसे ऐसे लोग के टैलेंट देखने मिलेंगे। सो अमेजिंग राघव है तो क्या होने वाला है, आप खुद ही सोच लो। मस्ती तो बहुत ही है। और हमको ऐसा लगा कि मैम थोड़े से स्ट्रिक्ट रहेंगे, या मैम तो हमसे ज़्यादा ज़्यादा मस्ती करते हैं। कभी उनको गुजराती बोलने का मन हुआ तो कल तो उन्होंने पूरा गुजराती में ही बात किया है मेरे से। और तो गुजराती छे तने ढोकलो खाओ छे, मैं तो मैम आप गुजराती कैसे बोले, अरे मने आवड़े छे। तो वो हम तीनों की टांग खींचते हैं। तो अभी कैसा हो गया ना, अभी तुषार थोड़े से मतलब ऐसे लगे थोड़े सीरियस टाइप के, लेकिन राघव के आने के बाद और हमारी मस्ती के बाद तो अभी तो तुषार को भी राघव नहीं छोड़ रहा है, लाइक दोनों में भी बहुत। कल तो बहुत मज़ा आ गया, कल शूट करते हो तो आप देखो कि शूट करने में इतना मज़ा आया तो आपको देखने में कितना मज़ा आएगा। ठीक है, लॉकडाउन के बाद जब शूट स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब सबने एक दूसरे को देखा था? मेरा एक जगह पे मैं 2 महीना फंसा हुआ था, मैंने जब रोड पे देखा ना तो मुझे मुझसे ऐसा लगा मैं कितनी बार यहाँ गया हूँ, लेकिन मेरे लिए ऐसा हाथ फैल के नहीं, ऐसा एक सांस लेते सा, यार कितना अच्छा रोड है यार ये, मैं रोज़ देखता हूँ, लेकिन कितना अच्छा रोड पहली बार 2 महीने के बाद बाहर निकला था, वो मेरे लिए सबसे अच्छा पहला फीलिंग था। मैं सबको बोलूँगा कि 27 फेब को कलर्स पे डांस दीवाने 3 आ रहा है, तो प्लीज़ देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत अमेजिंग टैलेंट देखने मिलेगा आपको।